नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। एक्स सीएम जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव को लेकर की, जिसमें तमाम चुनाव के मुद्दे को लेकर बातचीत किया। अमरजीत सिंह पूंछ की रिपोर्ट। लेकिन बाकी जो चुने गए थे लोकसभा में, जो वाकई लोगों की आवाज होते हैं, वो तो चुप बैठे। अब आज कहेंगे इलेक्शन में 370 भी दे दो, स्टेट भी दे दो। अरे लेकिन जिसके लिए चुने गए थे, जहां घर आग लग रही थी वहां तो मिट्टी तुमने डाली नहीं, वहां तो तुम तमाशा देखते रहे, इसको जलने दो। और आज जलने के बाद कहते आप फायर ब्रिगेड लाओ। अरे उस वक्त तो तुम मिट्टी भी डालते, पानी की बाल्टी डालते तो आग बुझ जाती, लेकिन आग बुझाने में कुछ कम नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसे गूंगे बहरे जाएं कि हमारी स्टेट जल रही हो, 370 खत्म किया जा रहा हो, स्टेट को डाउनग्रेड किया जा रहा हो, 35A को खत्म किया जा रहा हो और हमारे MPs चुप बैठे। ऐसे MPs में नहीं चाहता हूं और न ऐसे MPs में हमारे परेशान। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इलेक्शन आगे हुए हमारे रीशेड्यूल हुए हैं वोटिंग, उसका वेलकम करते हैं। हाँ, मैंने लिखा भी है। वेलकम क्या, हम तो उसमें लिखने वाले हैं। हमारी सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि सर ट्राइबल्स पीपल्स जो हैं मोस्टली अप्रैल मई के महीने में अपर रीजन में जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर ट्राइबल्स लोगों को? कोई ट्राइबल नहीं जाएगा, जो वोट डालने वाला ट्राइबल सर, है। सुनो सुनो, श्रीनगर यहाँ से सर पुंछ राजौरी से कश्मीर के अपर रीजन में लोग चले जाते हैं। जहाँ अपर रीजन में है वो जुलाई तक में नहीं बर्फ रहेगी। सर अभी जो इस दफा बर्फ कल परसों 30 अक्टूबर तक पड़ी, 30 अप्रैल तक पड़ी है। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने टीम भेजी, मैं भी इधर ही से आना था, सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बर्फ गिरते की लाई, जैसे जनवरी में बर्फ गिरती है। ये बर्फ जो आज पहाड़ से मैंने फोटो लाया, मैं अभी कैमरा उसमें मेरी है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने पीर की गली लगाया, पीर की गली में मुझे लगता है जून में भी बर्फ नहीं पिघलेगी, अभी तक सड़क नहीं खुलेगी। तो जहां जो हमारी ढोके हैं वो भी 1 जून और या 15 जून से पहले कोई खिलने वाले नहीं है। इसलिए जैसे बर्फ डिले हुई ऐसे जाना भी ढोकों में लोगों का देर होगा। मतलब इंडिया लाइंस जो है उन्होंने पहले महबूबा मुफ्ती को साइड किया, इसके लद्दाख में जो है एनसीपी कांग्रेस ने, ये कांग्रेस वालों से पूछे, बीजेपी ने खड़ा यहाँ किया कि नहीं जाना, ये बीजेपी बताएगी। एनसी में और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है, तो पहले उसका लोन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है, वो कब निकल जाएगा? तो ये उनकी मर्जी है। हमारा मेरा अलायंस न लेफ्ट से था, न राइट से था, न सेंटर से था। हमारी पार्टी आज़ाद है, हम सोच हमारी आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से और न किसी पोलिटिकल के साथ, अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं है। सर महबूबा जी का ये कहना है कि आप बीजेपी में मुख्यमंत्री, बीजेपी की वो बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब, और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर साहब बीजेपी के 6 साल मंत्री, अरे कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग। मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। खुद बीजेपी के साथ 6-6, 7-7 हुकूमत करते, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं एक मिसाल बताया था, इलेक्शन दो किस्म के जेब कुतरे होते हैं, एक जेब कुतरा अनट्रेंड होता है, एक जेब कुतरा बड़ा ट्रेंड होता है। जो अनट्रेंड जेब कुतरा होता है बेवकूफ, वो जेब काटता है तो भागता, तो लोग पकड़ा जाता है। और जो ट्रेंड, ट्रेंड कौन होता है, जो बार बार जेब काटता, वो जेब काटेगा इधर भागा भागा भागा, ताकि इस पर किसी को शक नहीं हो उसके पीछे। ये है वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सर, बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही, तो मैं कहां से आ गया?
पहले वो उनकी सपोर्ट करते थे उन दो की, अब इसकी तीसरी की, तो मैं तो किसी खाते में नहीं हूँ। इससे आपकी पार्टी को फर्क पड़ेगा? हमारी पार्टी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारी वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इतनी कमजोर है कि मेरे दो आदमियों पर निर्भर होगी, उसको बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, मेरा निशान बाल्टी है, बाल्टी बाल्टी बाल्टी। ये कहूंगा, प्रधानमंत्री की लड़ाई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, इस एनडीए और दिस इंडिया। अब उसमें एक को भी अगर दो की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसी सरकार बनने में कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद कब गिर जाएगी, एक्सीडेंट उसका चार महीने में हो जाएगा। कोई भी जिसको जीतना हो जाएगा उसको 150 से ज्यादा ही एमपी से जीतना चाहिए, वरना वो सरकार किसी काम की नहीं। पीर पंजाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? पीर पंजाल की जनता को चेंज लाइए सोच में, कास्टिज्म और धर्म पे, न धर्म पे वोट दे और न जातिवाद पे दे। पार्लियामेंट में न मंदिर बनाना है, न मस्जिद बनाना है, न गुरुद्वारा बनाना है। पार्लियामेंट में अपने स्टेट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, स्टेट की नुमाइंदगी करनी होती है। ये जिला परिषद नहीं है, बीडीसी नहीं है, डीडीसी नहीं। मैं 40 साल रहा, मेरी तकरीरें सुनी होंगी, क्या मैंने किसी एक समुदाय की बात की? मैंने पूरी स्टेट की और पूरी कंट्री की बात की, और पूरी स्टेट में सब लोग आते हैं, पूरी कंट्री में सब लोग आते हैं। ये जब छोटी छोटे में जा रहे हैं तो ये जहर है। ये लोग बोलते हैं कि एक फिरके को दे दो, दो फिरके में दे दो, इस हद को कहां तक ले जाएंगे? अब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी फिरकों पर हो जाए, पहाड़ी के पर हो जाए, नान पहाड़ी पर हो जाए, कश्मीरी पर हो जाए, गुज्जर पर हो जाए, हिंदू पर हो जाए, सिख पर हो जाए, तो फिर ऊपर वाला अल्लाह ही रखा है इस देश का। यहाँ पर आए, मैं जब जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, जम्मू कश्मीर जैसे हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अगर बात करेंगे, एक लीडर ऐसा है जो एक मंबा है इसका, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। चाहे वो पार्लियामेंट में जब रहे या जब जम्मू कश्मीर में बहसे वजीर आला रहे, हर तबके के लिए, हर मजहब के लिए काम किया। जो कल हम राजौरी आज पूंछ में लोगों का प्यार देखते हैं, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, हमारा मुसलमान भाई हो, हमारा सिख भाई हो, हमारा गुजर भाई हो, हमारा पहाड़ी भाई हो या कश्मीरी भाई हो, ये दर्शाता है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लोगों के दिलों में हैं। मैं आपके जरिए, आपके तमाम हमारे जितने भी लोग हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज हम मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, पात के नाम पे वोट ना दें। हम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनकी अचीवमेंट्स, जो उन्होंने अचीव किया है जब वो पावर में थे, उस पे वोट दें। हम इमोशंस पे, जज्बात पे वोट ना दें। हम अपने लोगों की नुमाइंदगी जो पार्लियामेंट में करनी है, उस कैंडिडेट का पास्ट भी देखें, उस पार्टी का पास्ट भी देखें। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो हमारा लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब है, और हम अपने लोगों से तवक्का करेंगे कि वो हमें एक मौका देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो तवक्कात हमारी पार्टी, हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब और हमारे लोगों की तवक्कात जो हमारी पार्टी और हमारी लीडर के साथ है, हम उन पे खरा उतरेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, यहाँ के बेरोजगार लड़कों की आवाज बनेंगे, यहाँ के मुसलमान, सिख, हिंदू, कश्मीरी, गुजर भाई, पहाड़ी भाई, तमाम लोगों की आवाज हिंदुस्तान के ऐवान में बनेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इतनी बारिशें थी कश्मीर में, जब बारिश होती थी और पुंछ में बारिश होती थी, तो पीर पंचाल पे और मुगल रोड पे बर्फ गिरी होती थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जितने भी हमारे पहाड़ हैं जो बीच में आ जाते हैं हमारे कई कनेक्शन में, चाहे वो साधना का पहाड़ हो, जो हमारे दो कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उधर
बंद कर देता है बर्फ की वजह से, दूसरा हमारा सिंथन हो, और भी चार पांच, लेकिन सबसे ऊंचा ये पहाड़ है 11,500, तो जिसकी वजह से हमने बहुत क्लियर हो जाए। काश इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सोचा होता कि मई मिडल तक तो ये रोड खुलते नहीं है, तो पहले ही उनको छठे सातवें फेज में रखना चाहिए था इलेक्शन। तो यहाँ आने में 4 दिन लगे, अब जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 रातें लगेंगी, बड़ा समय। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजौरी पुंछ के ये पीर पंचाल के लोग मिले हैं ज्योग्राफी तौर पर साउथ कश्मीर से, अगर यहाँ जोर से सीटी मारें तो साउथ कश्मीर वाले सुनेंगे, और साउथ कश्मीर वाले जरा जोर से अजान पढ़ें तो यहाँ पुंछ वाले सुनेंगे, या गुरबानी पढ़ेंगे तो वहाँ सुनेंगे, या हमारे हिंदू भाई घंटी जोर से बजाएंगे तो वहाँ सुनेंगे कि काम आ सकते हैं। ठीक है, ये दूरियाँ और भी नज़दीकियों में बदल जाएगा जब यहाँ टनल बनेगा, उसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है, आपने जद्दोजहद करनी है, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उनको उसके लिए लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। पुंछ हमारे लिए नया नहीं है, बहुत अरसे से स्टूडेंट लाइफ से मैं इसके सावजियां गगड़ियां के तमाम पहाड़ बीएसएफ के साथ घूमा हूं और देखे हैं, बहुत तरक्की भी हुई है, अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे वक़्त में यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए, बहुत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, मैंने एमए एमएससी की क्लासें इसी डिग्री कॉलेज में शुरू की थी, और यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी भी मंजूर की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मैंने कार्रवाई तब ज़मीन एक्वायर करने के लिए यूनिवर्सिटी से शुरू की थी, वो अभी 17 साल है, तो 17 साल के बाद इतनी हुकूमतें बदल गई, इतने चीफ मिनिस्टर बदल गए, गवर्नर बदल गए, चीफ मिनिस्टर भी 3 बदल गए, उमर साहब, मुफ्ती साहब, महबूबा जी, और गवर्नर 5-6 बदल गए, लेकिन किसी ने वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, वो पिछला ब्रुज से लेकर और यहाँ नीचे ही वाला सारा वो इलाका क्या है, चंडक वाला, चंडक के से इधर तक सारा वो यूनिवर्सिटी के लिए, और पैसा भी एयरमार्क तभी किया था, आज तक वो बिल्डिंग नहीं बन। शुक्र करो कि मैंने, मुझे मालूम था कि मेरे बाद इसका यही हाल होगा, तो मैंने एमए और एमएससी की जो क्लासेस थी खुद आया था और खुद उसका उद्घाटन किया था, और डिग्री कॉलेज में ही उसकी वो एमए की क्लासेस शुरू हो गई, वो सुविधा तो हो गई। चकंदा बाग, जब बहुत जगह से कश्मीर से पीओ के साथ बिजनेस करने के लिए जगहें खुली, तो मैं खुद यहाँ पहुँच आया था, और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आर्मी के साथ आया था, और चकंदा बाग पहुँच गए और वहाँ हमने मुआयना किया, और एक रिकॉर्ड पीरियड में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिपल शिफ्ट में की हैं, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट, उसमें आपके भी यहाँ ट्रिपल शिफ्ट में चकंदा बाग का जो जगह बनी है पीओके के लिए बिजनेस के लिए, इधर का बिजनेस वहाँ, वहाँ का यहाँ, बहुत फायदा होता उसका वहाँ, और पर्यटन में भी फायदा होता, क्योंकि उनके हमने, इसलिए मैंने डबल रोड की थी हमारी ज्यारत के लिए रजौरी और शारदा शरीफ के लिए, ताकि वहाँ पीओके से लोग आएं और वहाँ यहाँ पहले रुकें, यहाँ नगाली साहब भी जाएं, हमारे सिख भाई भी वहाँ बहुत रहते हैं, वो नगाली साहब जाएं, मुसलमान भाई शहर में भी अपने पुराने भूले बिसरे हिंदू भाई मुसलमान भाई मिले, और मुसलमान भाई सिराज शरीफ ने यहाँ शारदा शरीफ जाएं वहाँ ज्यारत के लिए, तो एक पर्यटन को भी और व्यापार को भी बहुत फरोग मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब बंद हो गया। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपने कार्यकाल में की है, बच्चों के लिए रहबर तालीम, रहबर ज़रात, रहबर खेल, इनको हमने नौकरी दी थी, बहुत सारी नौकरियां और रखी थी, उससे पहले हमारी कुर्सी खींच ली गई हमारे पार्टनर्स, हमारे साथियों ने, चाहे वो हेल्थ में यहाँ, बाद में मेरे
चिप साहब हों या पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हमारे जुगल किशोर जी हों, इन्होंने भी जहां जहां हेल्थ में और सड़कों का जाल बिछाया। तो हम जो आज वोट मांगते हैं पार्लियामेंट में, हम एक एडवोकेट के लिए, एडवोकेट को मैं अपना 40 साल का पार्लियामेंट का तजुर्बा बताऊंगा और जो भी मांगे यहाँ होंगी, यहाँ से भी आज सौभाग्य से खुशकिस्मती में सभी लीडरों को जानता हूँ जो भी सत्ता में आए, मंत्रियों को जानता हूँ हर पार्टी के, इनकी उनको उनके पास भेजेंगे तो आपकी आवाज बन के ये वहां जाएंगे, गूंजेंगे जिस तरह हम गूंजते थे। हम गूंगे बहरे एमपी नहीं भेजना चाहते हैं, जैसे हमने पिछली दफा जब हमारी स्टेट ली गई, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, 370 को खत्म किया गया, 35 ए को खत्म किया गया, तो लोकसभा में कुछ हमारे एमपीज थे, उन्होंने उफतप नहीं किया, खड़े तक नहीं हुआ, प्रोटेस्ट तक नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया, उसमें तो एनर्जी नहीं लगती थी, लेकिन हमने 1.5 घंटे, हमने 4 घंटे तो जमीन पे धरना दिया।